साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने प्रॉफिट नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, दर्जनों एटीएम कार्ड, बैंक के कागजात और एक स्विफ्ट कार बरामद की। पुलिस के कब्जे में आए राजकुमार शर्मा, दौलत सिंह शेखावत, भरत कुमार और अजय कुमार, इन चारों ने मिलकर साल 2016 में www.profitnetwork.com के नाम से कंपनी बनाई। आरोपियों ने लोगों से 4600 रुपए लेके एजेंट बनाना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एजेंट को एक लिंक भेजते जिसे लाइक करने पर एजेंट को 5 रुपए मिलते। आरोपियों ने इस तरह से करीब 5000 लोगों को कंपनी का एजेंट बनाया, जिनसे 8 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने खाते में डलवाए। एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसने बताया था कि कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट नेटवर्क नामक एक कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो लोग लोगों को लालच देते हैं और लुभावने वादे दिखा के अपनी कंपनी में बतौर एजेंट ज्वाइन कराते हैं, जिसमें कंपनी में ज्वाइन करने का रेट उनका 4600 रुपए, 9200 रुपए और इस तरह से मल्टीपल में कोई 1.25 लाख रुपए तक है। जितने रुपए दिए जाएंगे उतने रुपए के हिसाब से उसको उसके आईडी पे, कंप्यूटर पे उसको लिंक भेजे जाएंगे और हर लिंक को लाइक करने का उसको 5 रुपए मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसमें अब तक 4 आदमियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस तरह से करीब इन्होंने 8 करोड़ रुपया अब तक लोगों से प्राप्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के 3 खातों को फ्रीज कर 90 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। ये रही कि वक्त रहते पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन लोगों का प्लान अब से स्टार्ट होना था कि अब आने वाले 2-3 महीने में जितना पैसा आएगा, जितने भी और लोग लालचवश इसमें जुड़ेंगे, उन सभी का पैसा इन्होंने धोखा दे करके, क्योंकि यहाँ पे सभी इन्होंने अपने नाम पत्र झूठे दे रखे थे, उसके बाद इनको गायब हो जाना था, विदेश भाग जाना था। जो पैसा इन लोगों ने उनका अभी तक लूटा है उसके रिकवरी का प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने करीब अब तक 7 खाते, जो कि अपनी कंपनी प्रॉफिट नेटवर्क जिसका नाम दे रखा था और उसके जो अकाउंट्स थे वो मेडिकॉम एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन के नाम से थे, इनके नाम से करीब 7 खाते खुलवा रखे थे। जो जो पुलिस के पास अभी खातों की सूचना आ रही है उन अकाउंट्स को हम बैंक्स को इन्फॉर्मेशन लेके सील करा रहे हैं। अभी तक करीब इनका हमने 83 लाख रुपए बैंक में सीज करा दिया है। रेवाड़ी के रहने वाले विजय सिंह ने 13 फरवरी को कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर ने एक SIT बनाई। पुलिस ने इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।